आज से शारदीय नवरात्रि का आगाज हो गया है। नवरात्रि यानी 9 दिन। इस समय माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पहले दिन किस देवी को पूजा जाता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि होती है। इस दिन देवी के पहले स्वरूप की पूजा की जाती है। जगत जननी माँ जगदम्बा का पहला स्वरूप देवी शैलपुत्री का है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। हिमालय को शैल कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री के बारे में ज्यादा जानने के लिए लोकलिटी ने काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से बात की। वो बताते हैं कि माता शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी भी है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। वो अपने वाहन ऋषभ पर। देखिए, नवरात्र के पहले दिन प्रथमम शैलपुत्री च, प्रथम दिन जो है भगवती शैलपुत्री की का जो है पूजन अर्चन करना चाहिए। इनके पूजन अर्चन करने से व्यक्ति की क्लेश और कष्ट की बाधाएं जो है नष्ट होती हैं। इन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था शैलपुत्री के रूप में, इस वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा और ये शिव की प्रिय और अर्धांगिनी है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि शक्ति उपासना के महापर्व के पहले दिन माता शैलपुत्री के दर्शन और पूजन से जीवन के हर तरह के क्लेश और बाधाएं दूर होती है। बताते चले कि नवरात्रि के प्रथम दिन की उपासना से साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे योग साधना शुरू हो सकती है। मूलाधार चक्र शरीर के 7 चक्रों में से पहला चक्र है। ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री के पूजन में लाल कमल का फूल अर्पित करें। इसके अलावा यदि पूजन के दौरान इन्हें भक्त सच्चे मन से पान के पत्ते पर सुपारी लौंग और मिश्री रख कर भोग लगाते हैं तो देवी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। इससे हर तरह की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। इनकी पूजा पाठ करने से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, वह सभी दुष्ट और नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। इनके पूजन में हमको गुड़हल के फूल का प्रयोग या कमल के फूल का प्रयोग करना चाहिए। इनके पूजन में हमको पान के पत्ते पर सुपारी लौंग और क्या कहते हैं मिश्री रख करके चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो नकारात्मक और दुष्ट शक्तियाँ हैं उसको नष्ट करके हमको आगे बढ़ाती हैं और एक नए ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करती है।